अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरफान सबीरा ब्लॉग्स। तो आज जा रहे हैं ऊटी। प्लान एकदम लास्ट मोमेंट बना है, रात में 10:30 बजे करीब। फिर बाद में सब कुछ पैकिंग वैकिंग हुई है और अभी सुबह निकल रहे हैं। लेट हो गए हैं ऑलरेडी ऊटी के लिए। आज बज गए हैं ऑलमोस्ट 5:10 हुआ है। इनार रायन भी रेडी है, यहाँ पे दोनों उठ गए थे जल्दी और अभी बस घर से निकल रहे हैं। तो अभी तो अंधेरा है, तो थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। और यहाँ से ऊटी कितना टाइम दिखा रहे? ये ऊटी का ही है। हाँ, 5 घंटे 54। हाँ, तो हमने ले लिया है NS 75 और ये है नेलमंगला। तो ये है पहला टोल। टोल का कितना होगा मैं लास्ट में लिख दूंगी। तो ये है सेकेंड टोल और ये है नाइस रोड का टोल। तो हमें गूगल ने नाइस रोड होके बताया है, देखते हैं आगे और कौन सा रोड आता है। टोल नाइस रोड खत्म और अभी हम लोग हैं NS 275। तो बाहर बहुत ठंड है और टेम्परेचर क्या दिखा रहा है? 18 डिग्री बाहर। देखिए बाहर मतलब ये क्या बोलते हैं इसे, फॉग ओस पड़ रही है। तो अभी हम लोग है मैसूर एक्सप्रेस हाईवे। अगर आप एक्सप्रेस वे लेना नहीं चाहते हैं तो आप लोग ओल्ड मैसूर हाईवे से भी जा सकते हैं, पर वहाँ पे टाइम काफी लग जाता है और यहाँ पे टाइम आपका मतलब बच जाता है। और पहुँचने का टाइम बता रहे हैं 11:05, पर हम लोग रुक रुक के जाएंगे तो देखेंगे कितने बजे पहुँचते हैं। दूर देखिए पहाड़ में लाइट दिखाई दे रहे, क्या है पता नहीं, नारियल का पेड़। तो हमने यहाँ पे लिया है टी ब्रेक। बहुत नींद आ रही है, अगर चाय नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगी। आयन सो चुका है, नहीं क्या हुआ है, इन्हें उठ गई, सो रही थी। और अभी टाइम हुआ है 6:45 और हम लोग हैं सनापटनम का सर्विस रोड की तरफ। तो यहाँ पे टोल रोड खत्म होता है। अभी हमने ले लिया है NS 158। तो मैसूर पहुंच गए हम लोग। इनायर और आयान देख रहे हैं यहाँ पे डोरेमोन लैपटॉप में। क्या वो सही जा रहे हैं? सही जा रहे हैं। नहीं तो दोनों भाई बहन को देखिए एकदम लैपटॉप के अंदर घुस गए हैं डोरेमोन देखते हुए। और अभी टाइम हो रहा है 7:50 और 7:50 हम लोग मैसूर पहुंच गए हैं और 3.5 घंटा है यहाँ से।
तो हम लोग ने एंटर किया है अभी बंदीपुर। तो ये है बंदीपुर सिख पोस्ट। तो बहुत सारे डीर है, देखिए उस तरफ भी दिखाई दिया था पर कैप्चर नहीं कर पाई, तो अभी देख लीजिए। बहुत दूर मोर है, चलो उस तरफ, पता नहीं चल रहा है, वहां देखिए। तो ये देखिए क्या है, लंगूर। लंगूर लंगूर के हाथ में अंगूर, नहीं लंगूर के हाथ में केला। ये देखिए लंगूर, लंगूर केला खा रहा है। ये तो आयान के जैसा लग रहा है। ए लंगूर, चलो। तो हमने दिया था यहाँ पे 20 रुपए, और 20 रुपए में हमें 5 रुपए हमने देखा दीर, 5 रुपए का हमने देखा मोर पिकॉक, और 5 रुपए का हमने देखा लंगूर। और लंगूर क्या दौड़ा है, तो और 5 रुपए बैलेंस है, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा ना। ये देखिए जीप सफारी सब लोग। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अन्नामलाई, खत्म हुआ बंदीपुर। राइट साइड में है कर्नाटका बॉर्डर और लेफ्ट साइड में है तमिलनाडु बॉर्डर। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मधुमलाई फॉरेस्ट। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, सॉरी अन्नामलाई नहीं था, मधुमलाई टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे सिर्फ ऊपर ऊपर से ही चेक किया है हमें, शायद जो बैचलर आते हैं ना उनको रोक के मतलब देखते हैं, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे हमारे बंदीपुर चेक पोस्ट में 20 रुपीज लिया था, तो मधुमलाई में कुछ भी नहीं लिया है। तो वो 20 रुपीज का अभी भी 5 रुपए बैलेंस है, देखते हैं क्या दिखाई देता है हमें। वो उधर रह गया 5 रुपए, नहीं तो ठीक है ना, यहाँ पे वसूल हो गया तो भी ठीक है मधुमलाई में। फिर से एक दीर देखिए पास से एकदम। तो हम लोग पहुंच गए हैं मशीना गुड़ी, और यहाँ से 29 किलोमीटर है। फाइनली हमें पहाड़ देखने को मिला, और यहाँ से 59 मिनट्स है, अभी भी हम लोग मसीना गुड़ी में ही है। कोहरा बहुत है देखिए पहाड़ में। हाँ लो,
कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। कैमरा में इतना पता नहीं चल रहा है पर बहुत खूबसूरत व्यू है। उस तरफ भी पहाड़ है, हम लोग पहाड़ पे चल रहे हैं अभी। ऊपर देखिए कोहरा है पूरा, फॉग। यहाँ पे थोड़ा हल्की हल्की ठंडी महसूस हो रही है। यहाँ पे 36 हेयरपिन बैंड मिलेंगे और हमने फर्स्ट वाला क्रॉस किया, ये है सेकंड। ये देखिए, मतलब मुनार में जो हमें मिला था, येल्लागिरी में मिला था, वो सब मतलब इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो ये है मेन। अगर आप अगर फर्स्ट टाइम आपका ड्राइविंग है, मतलब बहुत दिन नहीं हुआ है ड्राइविंग का, तो पहले आप येल्लागिरी या फिर नंदी हिल्स या फिर मुनार जाइए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा रास्ता भी बहुत ब्रॉड है और यहाँ पे थोड़ा सा नैरो है, तो इस यहाँ पर बाद में आइए। मतलब बंदर है, बंदर। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ऊटी और देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। तो वेलकम टू क्वीन ऑफ हिल्स। और हमारा जो रिजॉर्ट है वो है बोटानिकल गार्डन के एकदम पास, मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 5 मिनट्स। और हमारा रिजॉर्ट का नाम है वेब बेरी। तो डिटेल्स में शेयर करूंगी अभी, तो वीडियो को एंड तक देखते रखिए। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं हमारा रिजॉर्ट। ये है रिजॉर्ट का बाहर का व्यू और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप पार्किंग एरिया भी एकदम आसानी से मिल जाएंगे। अंदर की तरफ भी पार्किंग है, बाहर की तरफ भी पार्किंग है, और मतलब रास्ता नैरो है फिर भी गाड़ी आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है बाहर का व्यू। इस साइड में आप लेंगे तो इसमें आपको बैल्कनी व्यू नहीं मिलेंगे। तो बैल्कनी व्यू चाहिए तो पीछे और रूम्स है, तो हमारा रूम पीछे की तरफ है क्योंकि हमने बैल्कनी व्यू लिया था। तो इस तरफ हमने फ्रंट साइड में बैल्कनी व्यू नहीं है इसके वजह से, बाकी मैं दिखा दूंगी। और ये है रिसेप्शन, और आराम से 3-4 गाड़ी यहाँ पे पार्क हो जाएगा और पीछे की तरफ से भी 5-6 गाड़ी आराम से पार्क हो जाएंगी। तो अभी हम लोग जाएंगे अपने रूम की तरफ। तो हमारा जो रूम है, तो मैंने पहले ही बताया था, वो बैक साइड की तरफ है। तो इस तरफ से एंट्री है, तो आप आराम से गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो गाड़ी हमने उसी तरफ पार्क किया है। तो जो लेफ्ट साइड में ग्रे कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं, तो वो हमारा रूम है उस तरफ। और इस तरफ जो आपको दो, एक पुराना हेरिटेज हाउस और एक नया बिल्डिंग बनाया हुआ है,
तो ये है इस वेबबेरी रिजॉर्ट का ओनर का घर, और आराम से पार्किंग हो जाएगा। देखिए कि नीचे भी दो रूम है इस तरफ और उस तरफ, और ऊपर दो रूम है। तो ये है कितना खूबसूरत घर, देखिए एकदम पुराने स्टाइल में जैसे फिल्मों में होता है ना, तो ऐसा ही है। और उनका नया घर उस तरफ है, ये पुराना वाला घर है। तो यहाँ पे भी आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर में है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे और देखेंगे हमारा रूम कैसा है। तो स्टेप से जाते समय एक दरवाज़ा मिलता है, तो ये सबके लिए है, एक बैल्कनी व्यू है ये। तो ऊपर से देखिए ये बैल्कनी व्यू, हमारा रूम नंबर है 104, सब डिटेल्स दे दूंगी मैं। और आते ही बहुत बड़ा रूम है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल है 4 सीटर के साथ, और यहाँ पे एक बाथटब है। तो काफ़ी बड़ा है, अच्छा है 4 मेंबर्स के लिए वुड का। साथ में डस्टबिन है, एक साइड टेबल है, और ये है एक क्वीन साइज बेड। और यहाँ पे एक खास, यहाँ पे भी साइड टेबल है, यहाँ पर टीवी है, और यहाँ पर एक और एक छोटा सा साइड टेबल जैसा स्टोरेज है। बड़ा सा मिरर है, और यहाँ पे शायद फैन की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ठंडी है ऊटी है, तो फैन कहीं पे भी नहीं है। और तो आपको मैं खास चीज़ दिखाती हूँ, तो इस तरफ एक बैल्कनी, छोटा सा बैल्कनी है, क्यूट सा, देखिए। और ऊटी का व्यू लीजिए, वाह। तो ये ऊटी मेन टाउन में ही है, दिखा दूंगी मैं, बोटानिकल गार्डन के पास में ही है। तो इस होटल का नाम है क्या था, वुडबेरी। दूर दूर तक देखिए ऊटी के घर, बाहर भी बहुत खूबसूरत व्यू है। और पार्किंग का भी कोई मसला नहीं है, मतलब पार्किंग भी आपको अवेलेबल है, और मतलब आसानी से आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक है वॉशरूम, वॉशरूम भी काफी बड़ा है, साथ में ग्रीजर है। वॉशरूम भी काफी बड़ा है, देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक मिरर है। और ये है एंट्रेंस का डोर जो आयन ने खोला था, ये। तो ये है ऊटी का फर्स्ट एपिसोड, तो बाकी के एपिसोड भी अपलोड करूंगी धीरे धीरे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नया ब्लॉग्स में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।